पापा तो हमारे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अरे हाँ बेटा आ गया, चलो तुमको स्कूल छोड़ दो। अरे बेटा अपनी कॉपी दे जा, भूल गए। नमस्ते प्रधान जी। अरे तुमको कितनी बार बताया बैठक बढ़ाने मत ले जाया करो। अरे बच्ची है, रोती है। माँ के घर नहीं बैठ सकते। अरे प्रधान जाने दीजिए, बच्ची है। ऐसे अपने मूड में बैठा लोगे तुम, पूरे गांव वाले कह रहे तुमसे कोई नहीं बोलेगा। पापा चलिए, है इसको देखते हुए खून जलने लगता है। कहाँ से आ जाते हैं बेटी पढ़ाने लगे। मेरी तुम किसी की बात मत सुनना, तुम्हारी स्कूल आगे चलो तुम पढ़ो। उसी गांव में एक ठग व्यक्ति आया होता है, वो और उसका चेला दोनों बातें कर रहे हैं। आइए बारी में इस गांव को भी लूट लिया जाए, बाहर बहुत भीड़ है। हाँ हाँ चलो लूट लाट के भाग। तैयारी करो, मैं सबको बुला कर। ए बाबा, बाबा शक्ति बुलाने जा रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ लो। अब जिससे जो सवाल पूछना हो पूछ सकता है। बाबा मेरी भैंस खो गई है, मिलेगी कि नहीं? तुम्हारी भैंस नहीं मिलेगी। बाबा कह रहे हैं मेरी भैंस मिलेगी नहीं तो ढूंढने से क्या फायदा, टाइम क्यों वेस्ट करें अपना। जब हम ही बाबा मिलकर भैंस चुरा कर बेचे हैं तो कहाँ से भैंस मिलेगी। बाबा मेरा पेट नसाक है, बहुत दिन से दर्द करता है, क्या करा जाए। ये क्या है बाबा? दो दिन खाना मत खाओ और खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर बाबा को दो। अच्छा धन्यवाद। मिठाई खाने का व्यवस्था हो गया। बाबा हमारी बेटी स्कूल जाती है, इस कारण गांव वाले हमसे बोलते नहीं हैं, और इसका उपाय करिए कि वो स्कूल जाना बंद कर दे। उसके भी पापा मानते नहीं है। भैया ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? हवन करने पर हवन करना पड़ेगा और उसके लिए 5,000 रुपये लगेंगे। 5,000 रुपये? पर इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? बेटी को पढ़ाई छुड़वाना है कि नहीं? हाँ हमको जरूर वो छुड़वाना है। हम अभी थोड़ी देर में हवन कराएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अब यही समाप्त तो हो गया, कल आना सब लोग। बाबा की जय। लस्तकिया बाबा की जय। लस्तकिया बाबा की जय। लस्तकिया बाबा की जय। तभी देखते हैं कि गांव में एक जगह भीड़ लगी हुई है। देखते हैं जरा क्या हुआ है यहाँ पर। अरे यहाँ तो बाबा की फोटो आज कैसे लगी है? हाँ ये लोग जान तो नहीं गए, क्या हुआ? अरे ये बाबा की फोटो यहाँ लगी, हम लोग को पढ़ना नहीं आता तो क्या समझे? बाबा इतने बड़े हैं, उनकी फोटो लग गई है। अरे बाबा, बाबा यहाँ के कल्याण हो गए, कल्याण बाबा की जय, कल्याण हो गए यहाँ के कल्याण। तभी श्रद्धा अपने पापा के साथ स्कूल से वापस आ रही थी। पापा यहाँ भीड़ क्यों लगी है? चलो देखते हैं। पापा इसने लिखा है कि जेल, ये जो बाबा है ये तो जेल से भाग के, ये तो चोर है, जेल से भागा हुआ अपराधी है। अरे इतने बड़े बाबा को तुम ऐसे बोल रही हो? नहीं ये चोर है। अरे तुम क्या कर रहे हो? इतने बड़े बाबा आकर हमारे गांव को, हमारे गांव वाले को पुण्य दे रहे हैं, तुम हमारे लोग के बाबा कैसे गए होगी? मेरी बात नहीं सच होगी तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। रुको अभी हम पुलिस को लेकर आती हैं। और प्रधान जी पुलिस को लाने चले गए। क्या हुआ? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तो एक नंबर का पक्का चोर है, ये तो जेल से भागा हुआ अपराधी है। ये तो हमारे गांव में ही है, इस कहाँ जल्दी चलो इसको पकड़ना है। ये रहा, और इस तरह बाबा और उनके चेले दोनों पकड़ जाते हैं। बेटी हमको माफ करना, हमको गलती हो, हमसे गलती हो गई थी पर आज। हाँ हम जानते बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। देखिए हमारी बेटी की वजह से आज इतना बड़ा चोर पकड़ा गया।
श्रद्धा की जय, श्रद्धा की जय, श्रद्धा की जय, श्रद्धा की जय। और इस तरह से गांव में उस बच्ची श्रद्धा का नाम हो गया और जो पूरे गांव वाले जो कि अनपढ़ थे उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। धन्यवाद।